साथियों स्वाभाविक हैं, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर न रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊँचा उठा दिया है, इतना ऊँचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊँचा नहीं हो सकता था। आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं, अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो इन्हें करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद।